इमरानियात के तबिल में ये कहते हैं कि अगर किसी मुल्क को देखना हो कि वो कितना खुशकिस्मत है तो चार चीजें देखो कि क्या उस मुल्क के पास है। पहली बात यह है कि क्या उस मुल्क के पास समंदर है। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के पास 1500 किलोमीटर से ज्यादा समंदर है। यह हमारा ग्वादर, यह जीवानी, यह बलूचिस्तान, यह कराची, यह बिन कासम, यह सारी बंदरगाहें, हमारे पास समंदर है। दूसरी बात पूछते हैं क्या उनके पास रेगिस्तान है। हमारे पास थल है, थरपारकर है, चोलिस्तान है। फिर पूछते हैं क्या उसके पास पहाड़ हैं। दुनिया की 8 खूबसूरत तरीन चोटियों में से 6 चोटियां पाकिस्तान के पास हैं। फिर पूछते हैं क्या उसके पास मैदान है। पाकिस्तान का 40% रकबा मैदानों पर मुहित है। रब्बे जलील ने आपको देते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आपने इसको बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने नेमतों की इंतहा कर दी, लेकिन आप उस नेमत को संभाल नहीं सके। आपने तालीम को पसे पुश्त डाल दिया। आज भी तालीम के लिए जो बजट बनते हैं उन्हें देखकर हंसी आती है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मुझे मालूम है कि इस वक्त मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं कर सकता। वो जब शकील ने मुझे कहा कि आप 2-3 मिनट बोल लीजिएगा, तो मैंने कहा मुझे 3 साल चाहिए तकरीर की तैयारी के लिए 3 मिनट बोलने को। कहने लगे कि आप तो घंटों बोलते हैं। मैंने कहा अभी ले चलो, अगर 2 घंटे की बात है तो अभी ले चलो, इसमें क्या फर्क पड़ता है। 3 मिनट बोलना बड़ा मुश्किल काम है, 3 घंटे बोलना बड़ा आसान काम है। 20 में से 3 गाने गाना बड़ा मुश्किल काम है, 20 के 20 गा देना बड़ा सौखा काम है। सो आप ये देखें, मैं आपको मोटी सी मिसाल देता हूं तालीम की। इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की तादाद 1 अरब और 50 करोड़ के करीब है। गोया दुनिया का हर 5वां या 6ठा आदमी मुसलमान है, और इसके मुकाबले में यहूदी जो हैं वो चंद करोड़ हैं, 2 या 3 करोड़ हैं। अमेरिका में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, पाकिस्तान में है, या इधर उधर इसराइल में है। हम 1 करोड़ 1 अरब 50 करोड़, वो 5 करोड़, और पिछले 100 साल में 200 नोबेल प्राइज में से 180 प्राइज जो हैं वो यहूदियों के पास हैं। आपके पास सिर्फ 3 हैं। अब इसके बाद अगर रोने को जीना चाहे तो आदमी क्या करे कि एक तरफ 1 अरब 50 करोड़ वो 3 नोबेल प्राइज हासिल करते हैं, एक तरफ बहुत ही मार्जिन दे दूं 5 करोड़ वो 180 प्राइज हासिल करते हैं। मईशत उनके हाथ में। कार्ल मार्क्स कौन था? यहूदी था। ये जिसने पेंसिलिन बनाई कौन था? यहूदी था। दुनिया की इकोनॉमिक्स को इस वक्त यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जहन में रखिएगा कि आपके बच्चों का दूध तक ये मल्टीनेशनल कंपनियां उस पर कब्जा कर चुकी हैं। जिस दिन चाहेंगे आपके बच्चों को भूखा मार देंगे। सिर्फ दूध की बात कर रहा हूं, और पाकिस्तान दुनिया में दूध पैदा करने वाला 5वां मुल्क है, लेकिन आता सब कुछ उधर से ही है। बिस्किट भी उधर के आते हैं, गंदम भी वहीं से आती है। मेरे पास वक्त कम है और दिल के जख्म ज्यादा है,
ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि आप, ये फैसलाबाद ताजरों का शहर है, यहां तिजारत बहुत होती है। सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ये है कि आप अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दें, खुद चाहे एक वक्त खाना खाएं लेकिन अपने बच्चे के लिए उसके बस्ते में किताबें पूरी होनी चाहिए। इसलिए कि हम तो अब जाने वाले हैं,